हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पांच मजेदार और इंटरेस्टिंग पहेलियां देखने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलें वीडियो शुरू करते हैं। पहेली है हरी झंडी लाल मकान, तोबा तोबा करे हर इंसान। जवाब है लाल मिर्च। चलिए बताइए, वो कौन सी गेम है जिसमें पीछे रह जाने वाला जीत जाता है? जवाब है रस्साकशी। दोस्तों, इस पहेली में इन सभी पिक्चर्स को ध्यान से देखें। इनमें से दो पिक्चर ऐसी हैं जो बिल्कुल सेम हैं। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी दो पिक्चर हैं? ध्यान से देखें और आंसर देखने से पहले अपना समय कमेंट करें। और इसका आंसर है यहाँ इस पहली पिक्चर और ये वाली पिक्चर को ध्यान से देखें। ये दोनों पिक्चर देखने में बिल्कुल सेम है, बाकी सब पिक्चर मुख्तलिफ हैं। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जिसे आप सिर्फ दिसंबर में ही देख सकते हैं और किसी महीने में नहीं? जवाब है हुरफ दाल, जो आप सिर्फ दिसंबर में देख सकते हैं। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जिसे हम पानी के अंदर खाते हैं? जवाब है गोता। चलिए बताइए, वो कौन सी तारीख है जिस दिन सबसे कम अमवात होती हैं? जवाब है 29 फरवरी। दोस्तों, इस पहेली में अस्वद और अयान एक आयरलैंड पर आए हुए हैं और उन्हें खाना पकाने के लिए आग जलानी है, लेकिन वो लैटर या माचिस लाना भूल गए हैं और इस आयरलैंड पर माचिस या लेटर मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो अब क्या किया जाए? ना तो इनके पास लेटर है और ना ही माचिस, लेकिन इन दोनों में से किसी एक के पास एक ऐसी चीज है जिससे आग जलाई जा सके। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी चीज है और उसका नाम क्या है? ध्यान से देखें और बताएं वो कौन सी चीज है। आपके पास 10 सेकंड का वक्त है और अगर आपको ज्यादा वक्त चाहिए तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। और इसका आंसर है, अगर आप लोग ध्यान से देखो, दिन में से एक के पास ऐनक है। अगर वह सुबह अपनी ऐनक उतार कर सूरज की किरणों के सामने रखे तो सूरज की किरणों से इन झाड़ियों में आग लग जाएगी। दोस्तों, ऐसी जबरदस्त पहेली के लिए वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए बताइए, वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब आप हाँ में नहीं देख सकते? जवाब है क्या आप सो रहे हैं? सवाल है, ऐसा क्या है जो घर में भी है और बाहर भी, गार्डन में भी है और टेरेस पे भी, आपको भी चाहिए और मुझे भी चाहिए? जवाब है हवा यानी एयर। सवाल है, सबसे ज्यादा सिनेमा हाउस किस मुल्क में है? जवाब है अमेरिका में। चलिए बताइए, वो कौन सा मुल्क है जिसने खला में सब्जियां उगाने की कोशिश की है? जवाब है रूस। दोस्तों, इस पहेली में एक अमीर और गरीब आदमी के घर में एक ही वक्त में आग लग जाती है। अब आप बताएं पुलिस सबसे पहले किस घर की आग बुझाएगी? ध्यान से सोचें, आपके पास 10 सेकंड का वक्त है और अगर आपको ज्यादा वक्त चाहिए तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं।
और इसका आंसर है आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आग बुझाना पुलिस का काम नहीं है, ये काम फायर ब्रिगेड का है। दोस्तों क्या आप इसका आंसर गेस कर पाए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बताइए, दुनिया में सबसे बड़ी हीरों की कान किस मुल्क में है? जवाब है ऑस्ट्रेलिया में। सवाल है, दुनिया में सबसे ज्यादा खैरात देने वाला मुल्क कौन सा है? जवाब है जापान। चलिए बताइए, वो कौन सा बादशाह है जिसने अपने खून से किताब लिखी थी? जवाब है जापान के शहंशाह स्टोको ने। चलिए बताइए, किस शहर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है? जवाब है लाहौर को। चलिए दोस्तों, इस पहेली में आपको इमोजिस के जरिए वेजिटेबल के नाम गैस करने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इन तीनों इमोजिस को ध्यान से देखें और बताएं इन तीनों इमोजिस को आपस में मिलाने से किस वेजिटेबल का नाम बनता है। और इसका आंसर है पहली पिक्चर में है पोर्ट, और दूसरी पिक्चर में है अल्फाबेट ए, और तीसरी पिक्चर में है टोए। अगर इन तीनों को मिलाएं तो सब्जी का नाम बनता है पोटैटो यानी आलू। दोस्तों अब इन तीनों मोजिस को भी ध्यान से देखें, इन तीनों मोजिस को आपस में मिलाने से एक वेजिटेबल का नाम बनता है, क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी वेजिटेबल है? और इसका आंसर है पहली पिक्चर में है कॉल, और दूसरी पिक्चर में है अल्फाबेट ई, और तीसरी पिक्चर में है फ्लावर। अगर इन तीनों को मिलाएं तो वेजिटेबल का नाम बनेगा कॉलीफ्लावर यानी गोभी। इन तीनों मोजिस को भी ध्यान से देखें, इन तीनों मोजिस को आपस में मिलाने से एक वेजिटेबल का नाम बनता है, क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी वेजिटेबल है? ध्यान से देखें। और इसका आंसर है पहली पिक्चर में है कैप, और दूसरी पिक्चर में है अल्फाबेट सी, और तीसरी पिक्चर में है कम। अगर इन तीनों को मिलाएं तो वेजिटेबल का नाम बनेगा कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च। चलिए बताइए, समुद्र के पानी में कौन सी अहम धातु पाई जाती है? जवाब है मैग्नीशियम। सवाल है, वो कौन सी चीज है जो दादा कहने से नहीं मिलती मगर बाबा कहने से मिल जाती है? जवाब है होंठ। चलिए बताइए, वो क्या है जिसने जमीन पर कदम नहीं रखा मगर आप हमेशा इसे देख सकते हैं? जवाब है सूरज। चलिए बताइए, वो क्या है जिसे ना छू सकते हैं ना ही हाथ आती है बस कानों से पकड़ी जाती है? जवाब है आवाज। चलिए बताइए, वो कौन सा मुल्क है जहां च्युइंगम पर पाबंदी है? जवाब है सिंगापुर में। चलिए दोस्तों, एक मजेदार और इंटरेस्टिंग पहेली देख लेते हैं। यहाँ आपके सामने दो भाई अपनी बहनों को तंग कर रहे हैं, क्या आप इन दोनों भाइयों को ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा भाई बुरा है यानी बैड है, ए वाला या बी वाला? ध्यान से देखें और आंसर देखने से पहले अपना समय कमेंट करें। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों मेरे नजरिए के मुताबिक कोई भी भाई बुरा नहीं होता,
लेकिन इस सिचुएशन को देखकर यही लगता है कि ये बी वाला भाई बुरा है, क्योंकि इसने खाना ले जाती हुई अपनी बहन को टांग अटकाकर गिरा दिया है, जिससे उसे चोट लग सकती है। वहीं अगर हम ए वाले भाई को ध्यान से देखें तो वो अपने बहन के बाल खींच रहा है, जो हर बहन भाई के दरमियान होता रहता है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बताइए, वो क्या है जिसे सिर्फ आप देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। जवाब है आपका ड्रीम यानी ख्वाब। चलिए बताइए, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ किस मुल्क में है? जवाब है नेपाल में। चलिए बताइए, वो कौन सी चीज है जिसे हम तोड़ते भी हैं और खाते भी हैं? जवाब है कसम। सवाल है, पाकिस्तान की कौमी सब्जी कौन सी है? जवाब है भिंडी यानी लेडी फिंगर। चलिए बताइए, वो कौन सा जानवर है जिसकी उंगलियों पर नाखून नहीं होते? जवाब है मेंढक। चलिए बताइए, दुनिया का सबसे महंगा फैशन डिजाइनर कौन है? जवाब है जॉर्जियो अरमानी। चलिए बताइए, कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा कपास पैदा करता है? जवाब है इंडिया। सवाल है, वो कौन सा जानवर है जिसके चार नाक होते हैं? जवाब है स्लग्स। चलिए बताइए, वो कौन सा मुल्क है जहां पर च्युइंगम पर पाबंदी है? जवाब है सिंगापुर। चलें इस पहेली का जवाब दें, वो कौन सी चीज है जिसे ना छू सकते हैं ना ही हाथ आती है, बस कानों से पकड़ी जाती है? जवाब है आवाज। सवाल है, वो कौन सी चीज है जो नाक पर बैठकर आपके कान पकड़ती है? जवाब है चश्मा। चलिए बताइए, कौन सा जानवर अपने सारे काम नाक से करता है? जवाब है हाथी। सवाल है, वो क्या है जो मुंह में डालने से पहले हरा होता है और बाहर निकालते वक्त लाल होता है? जवाब है पान। चलिए बताइए, वो कौन सी ईजाद है जिसकी मदद से हम दीवार के आर पार देख सकते हैं? जवाब है पहली है, एक फूल है काले रंग का, सबके सर सहाए, तेज धूप में खिला रहे, साया देख के मुरझाए। जवाब है छतरी यानी अम्ब्रेला। सवाल है, वो क्या है जो 2023 के शुरू होते ही खत्म हो जाएगा? जवाब है 2022। सवाल है, वो कौन सा परिंदा है जो कभी भी नहीं उड़ सकता? जवाब है मरा हुआ परिंदा। पहली है एक बहन और 32 भाई, वो इन सब की कैद में आई, खड़े हैं वो सब घेरा डाले, इसको कैसे कौन निकाले? ध्यान से सोचें
और आंसर देखने से पहले अपना आंसर में कमेंट करें। और इसका आंसर है दांत और जुबान। सवाल है, क्या एक ऑस्ट्रिच खुद को परिंदा कह सकता है? ध्यान से सोचें और आंसर देखने से पहले अपना आंसर में कमेंट करें। और इसका आंसर है जी नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रिच तो बोल ही नहीं सकता। तो जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।